अजीब ही लोग हैं ये तो, कल भी नहीं आए और आज भी बोल दिया कि मसरूफ हैं, हद होती है किसी चीज की। भाई जिस रोज फारिग होंगे तब आ जाएंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है? होगी कोई बात जो परेशान हो रही है, इसे ही पता होगी, वरना ऐसे तो उसना को अपनी चादर नहीं निकाल के देती। नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, वो तो हुस्ना को खुद ही एहसास हुआ है ना। एहसास भी यूं ही तो नहीं हो जाया करते ना। खैर वो एप्लीकेशन का क्या बना, क्या कह रही थी? मुझे नहीं पता, मुझसे कुछ नहीं कहा, परवेज से ही बात करती है वो। परवेज से तुम भी बात करते हो? दोनों इकट्ठे ही तो कॉलेज जाते हैं। 15,000 रुपये भी दिए थे उसे, अल्लाह जाने क्यों। अरे अब वो तो मैंने हुस्ना के सदके के लिए दिए हैं उसे, मंगो पीर के मगरमच्छों के लिए मैंने बकरा भिजवाया है सदके के लिए। यही बात होगी हुसैन भाई, खैर सानू की। मगरमच्छी क्यों, किसी गरीब बस्ती में भिजवा देती, किसी इंसान के पेट में पड़ जाती। क्यों, मगरमच्छ इंसान नहीं होते क्या? मेरा मतलब है उनका पेट नहीं होता, उनका वो जानदार नहीं होते क्या? हाँ वही जानदार नहीं होते वो। और आपको पता है इन बेजबानों की दुआ जल्दी लगती है। अच्छा छोड़ें आप मगरमच्छों को, आप मैं ना बस अब मुमताज को फोन कर रही हूँ, उसे कहूंगी कि अगर ये रिश्ते वाले नहीं आ रहे तो कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ले आए ना, वो हमने क्या अपनी बेटी को बिठा कर रखना है घर पर। और नहीं तो क्या। वैसे हुसैन भाई बेटी है कहाँ? बाजार गई है, किताब लेनी थी उसे। तो कॉलेज खत्म होने को आए, अब किताब? हमें क्या पता, लेनी होगी कोई किताब। आंखें खुली रखा करें हुसैन भाई, बेटी का साथ देना बुरी बात नहीं है, लेकिन आंखें खुली रखना भी अच्छी बात है। बिस्कुट दे दो मुझे जरा, तुम खुद भी खा लिया करो कभी कभी मुंह बंद रखने के लिए।